ग्वालियर में चलने वाले 20,000 से ई रिक्शा प्रशासन की ठोस प्लानिंग न होने के चलते शहरी यातायात के लिए परेशानी का सबक बनने लगे हैं। प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन के लिए रूट और शिफ्ट तय करने का प्लान बनाया है, लेकिन अभी तक इस पर अमल न होने के चलते ई रिक्शा शहर में बेतरतीब तरीके से चल रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। ग्वालियर शहर में शहरी परिवहन के लिए टेम्पो ऑटो रिक्शा से ज्यादा ई रिक्शा की तादाद है। एक अनुमान के मुताबिक ग्वालियर शहर में करीब 8,000 टेम्पो लगभग 16,000 ऑटो रिक्शा संचालित है, लेकिन ई रिक्शा की तादाद 20,000 के आसपास पहुंच चुकी है। ई रिक्शा शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह बन रहे हैं। इन हालातों से निजात दिलाने के लिए इन ई रिक्शा को दिन और रात दो शिफ्ट में चलने और उनके रूट तय करने का प्लान बनाया गया था, जिसमें सभी ई रिक्शा के पंजीयन करने के साथ ही उनकी शिफ्ट और जोन के हिसाब से कलर करने की योजना है। ट्रैफिक एडिशनल एसपी का कहना है कि अभी तक शहर के 6,000 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो पाया है, इनमें से 2,000 ई रिक्शा पर जोन और शिफ्ट के हिसाब से कलर कोडिंग हो गई है। बाकी बचे ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और कलर कोडिंग भी जल्द की जाएगी, इसके बाद इनका संचालन व्यवस्थित हो जाएगी। ये टमटम या ई रिक्शा को व्यवस्थित करने के लिए कुछ प्लानिंग कुछ समय से चल रहा है। ये नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा इनका मीटिंग वगैरह लेके दो शिफ्ट में इनको डिवाइड करने के लिए प्रक्रिया चालू किया था। उसमें शहर में जो भी टमटम चल रहे हैं या ई रिक्शा चल रहे हैं, उनका पंजीयन से ये शुरू किया था। अभी लगभग 6,000 से ज़्यादा टमटम या ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी जो रजिस्टर हुआ गाड़ियों का कलर कोडिंग, तो कांच में दो कलर की पट्टियां लगाने की प्रोसेस चालू हुआ है। अभी 2,000 समथिंग गाड़ियों नगर निगम द्वारा ये जो कलरिंग हो चुका है, जितने जल्दी ये जो बाकी गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन और ये कलर कोडिंग कंप्लीट हो जाए, ये सिस्टम चालू हो जाएगा। आपको जैसे पता है कि बीच में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव अन्य त्यौहार वगैरह आया था, तो ये जो नगर निगम और सो ट्रैफिक के जो कर्मचारी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व था वो उसमें व्यस्त हो गया था, तो इसी के वजह से काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। अभी कल से ये दोबारा रिस्टार्ट हुआ है, जो कलर कोडिंग का प्रक्रिया अभी दोबारा शुरू हुआ है। जल्द ये कम्प्लीट करेंगे या और ये शिफ्ट सिस्टम में ये रिक्शा चलाना शुरू कर देंगे।